बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी साहब। उम्मीद करते हैं कि कल जो अजीब मलिक के साथ घटना को दोहराया है और उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, आने वाली 14 तारीख को केतरी का बटन दबा के अपने इस बार से भारी संख्या से मंसूर अंसारी को छिपाकर लाला जी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप करेंगे। इन्हें इनकी औकात दिखानी है, इन्हें इनकी हद याद दिलानी है। यदि इनकी हद याद नहीं दिलाओगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाएंगे। मैंने खबर में लिख कर दू कि सहारनपुर का सपा विधायक संजय गिर मुस्लिम समाज के वोटों को अपनी रसोई समझ बैठा है। ये समझ लेना है कि मुस्लिम समाज की मजबूरी है समाजवादी के पक्ष में वोट करना। इनको ये दिक्कत है कि मुस्लिम समाज अपने बल पर अपना नेता चुनने की हिम्मत रखने का काम कर पाए। और जब तक मुस्लिम समाज, मैं तो कहूंगा कि दलित समाज से सीख लीजिएगा, 2012 में चंद्रशेखर का कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आज देखिए उस दलित समाज के बच्चे का वजूद दुनिया के अंदर है। उसकी वजह है कि मुस्लिम यूनिफॉर्म है, वो सियासत से जुड़े हुए हैं, उनके भी साथ सियासत को जिस तरह दी जाती है, सिस्टम की बात को सुनने में इतनी तरजीह दी जाती है, लेकिन शराब पीकर सफलने का मौका नहीं मिलता। अगर कहीं सिस्टम की बात सुन ले तो गौर से सुनने का काम करता है, इतनी तरजीह सिस्टम को देते हैं वो लोग। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं। अरे भाई सुनोगे तो ही तो कुछ पता चलेगा आखिरकार तुम्हारे साथ तुम्हारा वोट लेकर किस तरह से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। वोट की ताकत क्या है? अगर तुम्हें वोट की ताकत का अंदाजा हो गए तो खुदा की फिर एहसास करके कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग देश के अंदर आ रहे थे, आ रहे थे संगठन हिंदू मुस्लिम परिषद, ये तमाम संगठन जो आपके खिलाफ मुहिम चला रहे, सबसे बड़ी लड़ाई इनकी है कि भारत के अंदर से मुस्लिम का वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब ने ये संविधान आपको दिया जिसके अंदर आपको वोट डालने का अधिकार दिया, इसी की वजह है शहीद ने हम भी फोन के अंदर भी आसमान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये आपके खिलाफ है तो आपसे माफी करें केवल इसलिए कि ये अधिकार बाबा साहब ने आपको वोट कर दिया। इस वोट को आपको समझना होगा, इस वोट को जब समझ लोगे तो कसम खुदा की हमारे जैसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे नेतृत्व करने